क्या आप जानना चाहते हैं कि फेसबुक अकाउंट को कैसे डिलीट करें या कैसे बंद करें, तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि फेसबुक अकाउंट क्यों बंद करें? वजह कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि आप फेसबुक से बोर हो गए हैं, आपको मजा नहीं आ रहा, या रोज रोज इतने मैसेजेस, इनविटेशंस, नोटिफिकेशंस आती रहती हैं कि आप उन्हें देखना नहीं चाहते, या फिर कोई डुप्लीकेट अकाउंट है जो आपने बनाया था पर आप अब उसे इस्तेमाल नहीं करते। वजह कोई भी हो, क्या कैसे के फेसबुक ग्रुप में मोहम्मद सरफराज राजा ने पूछा है कि फेसबुक अकाउंट कैसे डिलीट करते हैं। ये वीडियो उसी सवाल के जवाब में है। अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप पहले अपना डेटा सेव कर सकते हैं। डेटा मतलब जो आपने छवियां सेव करी हैं, जो भी आपने लोगों से बात करी हैं, वो सब आपका जो डेटा है वो आप सेव कर सकते हैं। आइए देखें ये कैसे होता है। सबसे पहले फेसबुक में लॉगिन करते हैं, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला और लॉगिन के बटन पर क्लिक किया। अब हम फेसबुक में लॉग्ड इन हैं। अगर आप डेटा बैकअप लेना चाहते हैं, तो यहाँ ऊपर एक चक्री से बनी हुई है, उस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए अकाउंट सेटिंग्स नीचे है, इस पर क्लिक कीजिए। अब ये अकाउंट सेटिंग्स खुल गई। यहाँ पर नीचे लिखा है डाउनलोड अ कॉपी ऑफ योर फेसबुक डेटा, तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। अब एक नया पेज खुल गया, यहाँ पर आप इस ग्रीन रंग के बटन पर क्लिक कीजिए जहाँ लिखा है स्टार्ट माय आर्काइव। ये देखिए ये बोल रहा है कि आपके डेटा को आर्काइव करने में या सेव करने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि अगर आपका अकाउंट बहुत पुराना है और बहुत सारा डेटा है तो फिर वो बैकअप लेने में थोड़ा टाइम जा सकता है। तो चलिए इस नीले रंग के बटन पर क्लिक करते हैं जिस पर लिखा है स्टार्ट माय आर्काइव। और अब फेसबुक आपको बोल रहा है कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं और हम आपको ईमेल भेज देंगे जब ये डेटा डाउनलोड होने के लिए तैयार होगा। तो चलिए ओके के बटन पर क्लिक कर देते हैं। थोड़ी ही देर में आपको ईमेल आ जाएगी और आप अपना डेटा बैकअप ले सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो क्या करें? डीएक्टिवेट का मतलब होता है आप अपने अकाउंट को निष्क्रिय करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं। यहाँ ऊपर इस चक्री पे क्लिक करते हैं और अकाउंट सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। अभी अकाउंट सेटिंग्स खुल गई। यहाँ लेफ्ट साइड में या बाईं तरफ एक सिक्योरिटी का टैब बना हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और अब ये सिक्योरिटी सेटिंग्स खुल गई। सिक्योरिटी सेटिंग्स में देखिए नीचे एक लिंक है जहाँ लिखा है डीएक्टिवेट योर अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिए। अब एक नया पेज खुल गया जिसमें एक फॉर्म सा आ गया है। फेसबुक आपसे पूछ रहा है क्या आपने सचमुच में मन बना लिया है कि आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, और आपसे वजह पूछ रहा है कि आप क्यों अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो चलिए कुछ वजह डाल देते हैं, लिख देते हैं दिस इज टेम्पररी, आई विल बी बैक। और नीचे देखिए अगर आप नहीं चाहते कि आपको फेसबुक कोई ईमेल दोबारा भेजे, तो आप इस डब्बे में क्लिक कर दीजिए और आगे से आपको कोई फेसबुक से ईमेल नहीं आएगी। फिर इस नीले रंग के बटन पर जहां लिखा है कंफर्म, वहां पर क्लिक कर दीजिए। अब फेसबुक आपसे आपका पासवर्ड मांग रहा है और ये डीएक्टिवेट नाउ के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब ये एक सिक्योरिटी चेक है जिसमें आपको कैप्चा डालने को बोला जा रहा है। चलिए कैप्चा जो है वो हम डाल देते हैं और ये सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए फेसबुक आपको बोल रहा है कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। अगर आप अपने अकाउंट वापस से एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो फिर आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के फिर से लॉगिन कर दीजिए और आपका अकाउंट पहले जैसा एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं या हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं,
तो फिर क्या करें, आइए देखते हैं। ये देखिए, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉग इन करते हैं और अब हम फेसबुक में लॉग्ड इन हैं। यहाँ ऊपर एक ताला सा बना हुआ है, उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर नीचे एक सर्च का आइकन है, उस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, एक सर्च बार खुल गई। इसमें आप डिलीट टाइप कर दीजिए और सबसे ऊपर आ गया हाउ डू आई परमानेंटली डिलीट माई अकाउंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये खुल जाता है और इसमें आपको फेसबुक बोल रहा है कि अगर आपने अपना अकाउंट डिलीट किया तो क्या होगा। तो चलिए, यहाँ पर एक फिल आउट दिस फॉर्म लिंक है, उस पर क्लिक करते हैं और ये एक नया पेज खुल गया जिसमें डिलीट माई अकाउंट दिखा रहा है। हम इस नीले रंग के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब परमानेंटली डिलीट अकाउंट के लिए आपको अपना पासवर्ड डालना होगा और ये सिक्योरिटी चेक के लिए कैप्चा भी टाइप करना होगा और फिर ओके के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए, फेसबुक आपको बोल रहा है कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है और 14 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 14 दिन के अंदर वापस से लॉगिन किया तो आप अपने अकाउंट को वापस से एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए अब ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। क्या आपको हमारा वीडियो पसंद आया? अगर हाँ तो YouTube में लाइक का बटन दबाइए। आप हमारे क्या कैसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।